सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हटाए गए 1983 पीटीआई अध्यापकों के मामले में प्रदेश में खूब राजनीति हो रही है। पीटीआई अध्यापकों द्वारा जारी धरनों और विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करने के बाद भी सरकार इस मामले में अदालत के फैसले की बुनियाद पर अपने हाथ बंधे दिखा रही है। एक तरफ जहां विपक्षी दल कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से विधिक शक्तियों का इस्तेमाल कर इन अध्यापकों को फिर से नौकरी देने की मांग की है, वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस मामले में पूर्व की हुड्डा सरकार को ही दोषी ठहरा दिया है। गुर्जर ने कहा कि यह पाप हुड्डा के शासन काल में हुआ था, जिसका खामियाजा आज 1983 पीटीआई अध्यापकों को भुगतना पड़ा है। वहीं इस मामले में सरकार की ओर से क्या बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों को कोई रियायत मिल सकती है, इस पर आइए सुनते हैं शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। वैसे इसके लिए पूरी तरीके से हुड्डा साहब की सरकार जिम्मेदार है कि उन्होंने कोई भी नियम का पालन ही नहीं किया। और आपके सामने है कि दो बार कोर्ट में, जैसे सभी कोर्टों से जो निर्णय है वो खिलाफ हुआ, और हाई कोर्ट ने भी ये माना है कि इन्होंने कोई नियम का पालन नहीं किया। और उसके बाद डबल बेंच में सुप्रीम कोर्ट में केस था, सुप्रीम कोर्ट ने माना, और जिस प्रकार की टिप्पणियां उन्होंने की कि सरकार ने कोई जिम्मेदारी का रवैया नहीं अपनाया, जो भी बोर्ड था उसने मतलब सब नियमों को ताक पर रख दिया। तो मैं मानता हूँ कि इसके लिए पूरी तरीके से उस टाइम की सरकार जिम्मेदार है जिन्होंने इन बच्चों के साथ एक खिलवाड़ किया। अब जो पाप करने वाले हैं वो पाप करने वाले ही अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए और ये सिद्ध करने के लिए कि भी हम बहुत अच्छे इंसान हैं और हम इनके पक्ष में हैं, ये सिद्ध करने के लिए उस टाइप के बयान देते हैं। अब जो भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने के लिए, मतलब हमारे पास तो 5 मिनट के लिए मिलेंगे, 8 मिनट के मिलेंगे, 10 मिनट के लिए मिलेंगे, सारी बात उन्होंने रखी तो, लेकिन वहाँ उन्होंने अपनी बात को पूरे जोरदार तरीके के साथ रखा, उनके सामने रखा कांग्रेस सामने, कोर्ट ने उसके बाद उस पर निर्णय कोई लिया। और मैं समझता हूँ कि जैसे एक भ्रांति है कि उनकी नौकरी को समाप्त करने के बाद ओपन कर दिया, अब कुछ लोगों ने कहा कि मुझे ओवरेज देंगे, कुछ लोग ओवरेज देंगे, तो उनका क्या होगा? तो कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि ओवर एज के खिलाफ नहीं होगा या नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि जो 20,800 लोग थे जिन्होंने उस टाइम अप्लाई किया था, वही 20,800 लोग अब अप्लाई करेंगे। उन 20,800 लोगों का ही टेस्ट होगा, कोई उम्र का चक्कर नहीं है, वही लोग अप्लाई करेंगे, उन्हीं लोगों का टेस्ट होगा, उन्हीं लोगों में से जो सिलेक्शन होगी उन्हीं लोगों में से होगी, बाहर से कोई नया आदमी नहीं उसमें शामिल हो सकता। वही लोग हैं जो हैं, जो उन्हीं लोगों में से एक निर्णय होना, क्योंकि कोर्ट का मानना है कि प्रक्रिया में पूरी दोषपूर्ण थी लगाने की, तो उन्हीं लोगों में से दोबारा टेस्ट लो। और मेरे ख्याल से ये तो काफ़ी, ये जो लोग इस फील्ड में हैं तो उनके लिए तो मेरा आसान है। 10 साल पहले जो लोग पहले थे वो तो कोई खेती करने लग गया, कोई डेयरिंग कर ली होगी, किसी ने दुकान कर ली होगी, किसी ने कहीं और कुछ कर लिया होगा, उसके मुकाबले मेरे ख्याल के लिए काफ़ी आसान। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।